हे गेमर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेएनके गेमिंग पॉइंट में, एंड आप देख रहे हो माइकल को। तो गाइस, आप लोगों ने पिछले वाली एपिसोड में देखा कि हम लोगों ने भाई क्या किया था, साइबरपंक 2077 की कार चुराई थी माफिया वालों के गैंग से। मतलब यार, माफिया बिग माफिया का एक कार लाया था दूसरे जगह से इम्पोर्ट करा के, साइबरपंक 2077 कार, उसको हम लोगों ने चोरी कर ली थी। लेकिन चोरी करते समय आप लोगों को पता ही होगा भाई, लेस्टर ने भाई पकड़ा गया था, लेस्टर पकड़ा गया था। मैंने उसे बोला भाई तू मत जा यार, तुझे दौड़ नहीं पाएगा, कार नहीं चला पाएगा था, बट जाता क्यों है। लेकिन भाई वो माना नहीं एंड वो फंस गया उधर से। तो आज मैं माइकल ने प्लान बनाया कि भाई कैसे उसको लेना है, एंड प्लान में एक मजेदार ये है कि भाई ट्रक से ले जाने वाले हैं लेस्टर को माफिया गैंग, यानी कि बलास गैंग वाले। अभी आप लोगों को कार दिखा देता हूं, ठीक है। ये रही साइबरपंक 2077 वाली कार, एंड एक बाइक मॉडिफाई करा के मैंने यहां पे रखी है, मिलती जुलती ग्रीन ग्रीन। भाई देखो, साइबर पंक लिखा भी है यहाँ पे, बहुत तगड़ी वाली कार है। इसको नाइट के टाइम में अगर चलाओगे आप तो ओपी वाली फीलिंग भी मिलती है। अभी मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ, ठीक है। रेडियो भाई ऑफ हो जा। तो अंदर का इंटीरियर बहुत ही लाजवाब है, एंड भाई इस काम को अकेले ही माइकल करने वाला है। भाई फ्रैंकलिन पता चल गया है माफिया गैंग वालों को कि फ्रैंकलिन ने बहुत सारे उनके गोल्ड चुरा लिए थे। भाई फ्रैंकलिन और ट्रेवर ने मिलकर चुराया था। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी थी, देख लेना। आज हम लोग जाने वाले हैं बलास गैंग वालों के अड्डे में, क्योंकि अभी अभी पता चला है कि वो लोग लेस्टर को ले जाने वाले हैं एक ट्रक में बंद करके, ठीक है भाई। ट्रक में बंद करके ले जाने वाले हैं, पता नहीं कौन सी ट्रक है, बट हाँ इतना पता है कि हाँ उनके अड्डे पर हम लोगों को जाना है। तो करना क्या है, अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। भाई बहुत बड़ी गैंग है। तो यहां पे देखो, बलास गैंग वालों का अड्डा जो है इधर है, लॉस सांटोस का एरिया। भाई पूरा सिटी है, बहुत मजा आता है इधर बाइक चलाने में। तो ये जो है ना, जहां पे उसका एरिया है वो GTA सैन एंड्रियास से मिलता जुलता है। अभी चलो आप लोगों को मैं दिखा भी दूंगा। वहीं से हम लोगों ने वो वाली कार भी चुराई थी, एंड ये वाली बाइक की स्पीड काफी लाजवाब है। आप लोगों को मैं यहां पे दिखा भी देता हूं, ठीक है भाई। बहुत लाजवाब बाइक है, एंड चलाने में भी भाई बहुत मज़ेदार लगती है वो। भाई हट के, हट जा भाई आराम से। भाई चलाने में बहुत मज़ा आता है मेरे को ये बाइक चलाने में, एंड अभी मैं आप लोगों को जगह दिखाता हूँ, बहुत मज़ेदार। ओहो भाई 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 भाई, अभी मेरे को कैसे भी लेस्टर को भाई बचा के लाना है, क्योंकि लेस्टर के कारण ही मेरे पास वो साइबर पंक 2077 वाली कार है। एंड भाई उसको मैंने बोला था भाई तू कार चला नहीं पाए, और तेरी कार चला नहीं पाएगा इसलिए भाई तू जा मत, लेकिन भाई वो माना नहीं। बट कोई नहीं, आज हम लोग उसको बचाने वाले हैं। ट्रेवर पता नहीं किधर गया है, फ्रैंकलिन भाई घर में बंद रह रहा है, क्योंकि भाई उसको माफिया वालों से बच के रहना भाई, नहीं तो लड़ लेंगे, पटक देंगे उधर ही उसको। मतलब यार अकेला बंदा है, पूरे दिन घर में बंद रहता है, चौप के साथ खेलता फलता रहता, मतलब खेलता रहता है। चलो यहाँ पे चलते हैं, एंड ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोगों को जाना है, एंड ट्रक को सिर्फ और सिर्फ ट्रक को चुरा लेनी है, ठीक है। ट्रक में मेरे को पता है भाई लेस्टर बैठा हुआ होगा या कुछ भी कर रहा होगा। भाई 3-4 दिनों से उन लोगों ने बंदी बना के रखा है लेस्टर ने, बलास गैंग वालों यानी कि बिग माफिया वालों ने। चलो चलते हैं वहाँ पे, अभी सारा चीज़ क्लियर कर दूंगा मैं। चलो चलो भाई, ये जो बाइक है काफ़ी मज़ा रहा है, छोटी सी है एंड कहीं से भी निकल जा रही है, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है चलाने में। तो चलते हैं, ये पेट्रोल पंप इधर ही भाई कहीं पे भी पता नहीं वो लोग ले जा रहे होंगे या उधर से। देखो ये पेट्रोल पंप है, मेरे को एक पंगा वाला मतलब दिमाग में आ रहा है कि मैं यहाँ पे बाइक लगा दूँ, वरना भाई ये बाइक भी चली जाएगी भाई, और जैसे कि वो लैम्बोर्गिनी चली गई थी जब हम लोगों ने वो वाली कार चुराई थी। तो यहीं पे मैं ये वाली कार जो है ना यहीं पे लगा देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ से निकलते हैं हम लोग, दौड़ के जाएंगे। तो ओ भाई यहाँ पे कर्सर कहाँ से आने लगा, ये पता नहीं कैसे हटेगा। चलो कोई नहीं, अभी हम लोगों को जाना है सामने की ओर भाई, ठीक है। सामने ही बलास गैंग वाले, आप लोगों को पता होगा GTA सैन एंड्रियास में भी ऐसा ही कुछ नज़ारा मिलता है आप लोगों को, जैसे ही आप CJ के घर पे पास जाओगे। तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा आगे जाके दिखाता हूँ, ठीक है। आगे जाऊँगे तो सारा चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। तो देखो सामने भाई बहुत सारे बंदे मेरे को अभी इधर से ही दिखाई दे रहे हैं, एंड एक ट्रक भी है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को यहाँ से भाई एमिंग करके दिखा देता हूँ उस ट्रक को, बहुत सारे बंदे भी है। वो देखो सामने एक ट्रक खड़ा है, एंड इतने सारे बंदे वहाँ पे खड़े हैं, तो भाई काफ़ी मज़ा आएगा इन लोगों को मारने में भी, एंड इन लोगों को पता मत चल जाए बस। ओ भाई फायरिंग कहाँ से आने लगी, और तेरी गाइस यहाँ पे उन लोगों को पता चल गया है कि मैं वहाँ पे आ चुका हूँ, ठीक है। इन लोगों को गाइस पता चल गया है कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, फटाफट से सबको ख़त्म करना पड़ेगा, और मेरे को ट्रक भी ले जानी है। अबे आ जाओ, ये लो पार्ट से। तो भाई बच गए यार, ये स्नाइपर क्या यही है भाई, एक बार अगर चुक गया तो दूसरा रिलोडिंग होने में टाइम लेता है, तो सबको ख़त्म करना। भाई एक एक से 3 मर गए,
एक बंदा एक गोली से तीन मर, ये देखो भाई इसका मैगजीन खत्म हो जाता है, यही प्रॉब्लम है मेरे को। तो ही कोई नहीं, अभी मैं AK-47 से सबको ख़त्म करने वाला हूँ। आ जाओ भाई, कितना आओगे? मैंने बुलेट प्रूफ सारा चीज़ पहन के रखा हुआ है, ले ले भाई ये सब ख़त्म। अभी बलास गैंग वालों के वाट लगा डालनी है मैंने। उसके बाद भाई देखो, सबको ख़त्म करने के बाद उसको ट्रक को भी ले जाना है। ट्रक में भाई वो बंदा है, मतलब लैस्टर है, और भाई क्या कर रहा है तू? ख़त्म, आ जाओ। मेरे को भाई फ्रैंकलिन को लेके आना चाहिए था यार, इतना मस्त लड़ाई हो रहा है यहाँ पे, मज़ा आ रहा है। तो लगभग मैंने सारे को ख़त्म कर दिया, एक यहाँ पे बचा हुआ है। अभी भाई ख़त्म करने से पहले मेरे को यहाँ से ट्रक लेके भागना पड़ेगा, वरना ये अलर्ट हो जाएंगे तो भाई इनकी पूरी कब्जा है यहाँ पे सिटी में, तो भाई सारे बंदे आ जाएंगे। ये तो धीरे धीरे शायद मेरे ख्याल से कार वगैरह लेते आते हैं। मेरे को ये ट्रक चाहिए, और ट्रक के अंदर ही रखा है मेरे ख्याल से, अभी ले जाने वाले थे। देखो सारा तैयारी इनका हो चला था। देखो इतने सारे कार से ये लोग ले जाने वाले थे पता नहीं कौन सी सिटी में, एंड भाई इसको पता नहीं कैसे कहाँ पे ले जाने वाले थे। तो मेरे को फटाफट से इस ट्रक को ले जाना पड़ेगा, एंड शायद मेरे ख्याल से ये ओपन नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों। पीछे वाला जो इसका ट्रंक है भाई, रियर गेट है, वो ओपन नहीं होता है, दोनों में से कोई गेट ओपन नहीं हो रहा है। तो एक काम करता हूँ, फटाफट से हम लोगों को इस ट्रक को भाई जाके अपने घर पे लगा देता हूँ, यानी कि माइकल के घर ही लगा देते हैं, ठीक है। एंड वहाँ पे भाई बेनी को बुलाएंगे, बेनी को बुलाने के बाद पता करेंगे कि कैसे ये ओपन होगा, वही भाई तोड़ फोड़ करेगा। एंड यहाँ पे भाई यार कितने दिनों से लेस्टर इस ट्रक में बंद है, मेरे को कोई आइडिया भी नहीं है। तो चलो चलते हैं वहाँ पे, एंड जैसे ही ओपन होगा गेट, कैसा इंटरफेस होगा मेरे को कुछ पता नहीं है। भाई लेस्टर बहुत ही मतलब तड़प रहा होगा, एक अंदर से एक कैदी जैसा, भाई बना के मज़ा आ जाएगा देखने में कैसा। मतलब यार लेस्टर को मैंने पहले ही बोल दिया था कि भाई तू जाएगा फंसेगा। तो चलते हैं जल्दी से, जितना जल्दी हो सके भाई ट्रक को ले जाना है घर पे, एंड मौसम भी अच्छा है। अभी लेस्टर भाई अंदर है, माफिया को पता भी नहीं चला हो भाई साहब, माफिया वालों को पता अभी तक नहीं चला है कि भाई, अगर पता चल जाता तो वो मेरे पीछे आ जाते। तो अभी उनको पता नहीं चला है कि भाई ट्रक किसने ले गया भाई, लेकिन फ्रैंकलिन भनक लग चुकी है कि फ्रैंकलिन ने बहुत सारे चोरियाँ उन लोगों ने की थी। भाई फ्रैंकलिन बहुत सारा मतलब गोल्ड रॉबरी, फिर से भाई वो मतलब ये स्टैचू की रॉबरी आप लोगों ने देखी होगी, तो वो भी फ्रैंकलिन ने ही किया था। अभी भाई देखो ट्रेवर से भी करवाना बनता ही है ना, आप लोग कमेंट बरूक करोगे तो भाई ट्रेवर देखो, ट्रेवर पता नहीं किधर घूम रहा है, वो नशेड़ी बंदा है, तो आप लोगों को पता होगा भाई इधर से उधर करते रहता है। एंड पूरा सिटी में ट्रेवर ऐसा बंदा है भाई, दिन भर टल्ले होके गिरा रहता है इधर से उधर। तो अभी मेरे को कहाँ पे जाना है, देखो नीचे लोकेशन दिखाई दे रहा है, हम लोगों ने मार्क भी कर लिया, मौसम काफ़ी अच्छा है। बट मेरे को अभी बेनी को बुलाना है फटाफट से जाके, अभी कार जो है ना वो तेरी भाई, ये ट्रक है कार नहीं है, तो ट्रक को पार्क करना है पहले, ले जाके माइकल के घर में, एंड फिर से मैं वहाँ पे बुलाऊंगा बेनी को। बेनी भाई पूरा इसका लॉक वॉक तोड़ेगा, एंड उसके बाद हम लोग बुलाएंगे फ्रैंकलिन को, उसको दिखाएंगे पता नहीं कैसा हालत हुआ रखा होगा लेस्टर का। अभी जाके हम लोग कॉल करेंगे बेनी को, चलो 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 जल्दी चलते हैं, एंड वहाँ पे सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि भाई ये ज़िंदा भी है लेस्टर या मर चुका है, पता नहीं कैसा इसका हाल चाल, मेरे को कुछ पता नहीं है। तो हम लोग आ चुके हैं घर पे, मेरे ख्याल से इस ट्रक को पीछे लगा देता हूँ, अगर मैं आगे लगाऊंगा तो भाई अगर इधर से कोई पास भी होगा माफिया गैंग वाला, तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये तो माइकल का घर है, वो लेके चला गया भाई। ये तो भाई ये किसकी कार भाई, किसकी कार है भाई? फर्स्ट मिशन में हम लोगों ने ये कार चलाई थी, ये अमांडा की कार है, मतलब मेरे को भी भूल जाता हूँ। चलो यहाँ पे भाई सेफ जगह है, बहुत ही अच्छा लाजवाब है। यहाँ पे मैंने ट्रक को लगा दिया, अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ। तो भाई फूट गया यार, ये लॉक जो है ओपन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों कैसा इसका है। तो अभी मैं काम करता हूँ, बेनी को बुलाता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे बेनी को कॉल करना पड़ेगा, वहीं आएगा भाई पूरा अपना मैकेनिक वैकेनिक का सामान लेके, एंड इसको लॉक तोड़ने की कोशिश करेगा। तो भाई अपने से खुद से ये लॉक तो टूट नहीं रही है, एंड माइकल की हालत देखो भाई, बुलेट वुलेट बहुत ज़्यादा पड़ चुके हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग फटाफट से, क्या करते हैं कॉल लगाते हैं बेनी को, और बेनी को कॉल लगाने के बाद ही चलते हैं। भाई बेनी का नंबर किधर है देख लेते हैं, ये रहा अमांडा की कितने सारे नंबर है इसके बाद। भाई बेनी किधर है, इसमें बेनी तो है ही नहीं भाई, जिमी है जिमी, बेनी नहीं है यार। तो गाइज इसके पास बेनी का नंबर ही नहीं है यार, माइकल के पास बेनी का नंबर नहीं है। एक काम करते हैं अभी हम लोग फ्रैंकलिन को कॉल लगा लेते हैं, फ्रैंकलिन को बोल देंगे कि भाई ऐसा ऐसा बात है, तो वो तू बेनी को लेकर आ। तो यहाँ पे भाई फ्रैंकलिन को कॉल लगा दिया है मैंने, एंड ये जो है माइकल ने सारा चीज़ इसकी कहानी बता दी है। अब फ्रैंकलिन लेके आएगा बेनी को, उसने बोल दिया है। तो यहाँ पे कुछ देर वेट करने के बाद फाइनली यहाँ पे भाई बेनी भी आ चुका है, एंड फ्रैंकलिन भी आ चुका है, दोनों पार्टी कर रहे थे साथ में ही, तो देखो भाई अभी भी चल रही है उनकी। तो अभी बेनी बोल रहा है कि कार जो है आगे लेके आओ, पीछे भाई मज़ा नहीं आएगा, इसकी
ये देखो ये मतलब मॉडिफाई कराया हुआ बेनी का ये ट्रक है छोटा सा, इसी में सारा चीज़ ये अपना लेके चलते रहता है। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, फटाफट से वो ट्रक को लेके आते हैं। एंड भाई यहाँ से अमांडा अपनी कार लेके चली गई है, तो ये खास बात रहेगी हम लोगों के लिए, भाई तुरंत ही कार निकाल लेंगे। भाई कार नहीं, ये ट्रक है, ठीक है? तो ट्रक को बाहर निकालते हैं, एंड यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम आएगी बैग में ले जाने में, कोई नहीं निकल जाएगी शायद। ए भाई निकल गया, चलो जी निकल गया है। अभी इस ट्रक को बाहर लेके जाने के बोल रहा है वो बेनी, एंड बेनी और फ्रैंकलिन मिलके इस ट्रक को फोड़ने की कोशिश करेंगे गेट को, कि जैसे भी फूट जाए भाई, इसके अंदर भाई लेस्टर है, उसको बाहर निकालना ही है। तो बोल देता हूँ भाई, वो लोग आ चुके हैं यहाँ पे, भाई पार्टी वार्टी कर रहे थे पता नहीं किस बात की। एंड हम लोग, मेरे को मतलब माइकल को बुलाया भी नहीं, पता नहीं क्यों नहीं बुलाया। तो अभी मैं बोल देता हूँ भाई जाके, ये दोनों देखो काम पे लग चुके हैं अपना। एंड माइकल भाई देखो, माइकल की हालत तो बहुत बुरी हो ही रखी थी, एंड लेकिन यहाँ पे देख सकते हो बेनी और सॉरी फ्रैंकलिन अपने काम पे लग चुके हैं। भाई ट्रक उड़ा इधर से उधर किया, इन लोगों ने थोड़ा हिलाया डुलाया, एंड फाइनली यहाँ पे जो है बोल रहा है कि हाँ तुरंत काम हो जाएगा, बट टाइम लगेगा। भाई बहुत बड़ा तगड़ा वाला लॉक लगा है इसमें, लॉक सिस्टम भाई काम नहीं कर रहा है। तो अभी देखते हैं, अभी हम लोग अंदर से, इंटीरियर भी काफ़ी लाजवाब है इस ट्रक का भाई, देख रहे हो मतलब अलग ही VIP टाइप की ट्रक है। एंड पीछे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अंदर का इंटीरियर देखो भाई, गेट खोलने की कोशिश मैं कर रहा हूँ देखो, लेकिन वो ओपन ही नहीं हो रहा है, पता नहीं कि ओपन नहीं हो रहा है। तो कुछ देर वेट करने के बाद बेनी बोल रहा है कि हाँ भाई कुछ देर वेट करो, लेकिन ये ओपन हो जाएगी। तो कुछ देर वेट करते हैं एंड देखते हैं कब तक भाई गेट ओपन हो जाती है। एंड ये देखो मॉडिफाइड बाइक, बहुत ही लाजवाब है उसकी, मॉडिफाइड कार है या ट्रक है, वैन है, छोटी सी है। तो फाइनली यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो भाई क्या हालत हो रखी है लेस्टर की। लेस्टर भाई आ चुका है, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो लेस्टर पड़ा हुआ है अंदर, एंड बेनी की हालत ख़राब हो रही है। अभी फ्रैंकलिन एम्बुलेंस को कॉल कर रहा है कि भाई जल्दी आ, बेनी बहुत ही छक चुका है भाई। एंड अंदर का नज़ारा देखते हैं भाई, थोड़ा लैग कर रहा है पता नहीं क्यों। तो देखो लेस्टर यहाँ पे, लेस्टर की भाई बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, तो इसलिए भाई इसको हम लोगों को ले जाना पड़ेगा। कहाँ पे एम्बुलेंस बुला रहा है फ्रैंकलिन, एंड थोड़ा लैग कर रहा है, मेरे को भी नहीं पता क्यों लैग कर रहा है। तो नेक्स्ट एपिसोड से मैं सोचूंगा कैसे इसको हटाया जा सके, बट अभी लेस्टर की हालत बहुत ही ख़राब है। लेकिन आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड कौन सी होती है।